नाम से पहले स्टार्ट करें तो इन्हीं के लिए सेट कर दिया होगा। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनका जो चार्टर है, हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंडर में आते हैं, MOD के अंडर में। इस सब के इस तरह के प्रावधान हर जगह हैं और इसके अंदर, क्योंकि हर संस्था को दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, हम हमेशा से ट्रेडिशनली आर्मी की हेल्प लेते हैं। उसके अलावा जैसे NGOs मैंने बोले जो हमारे फौजियों के साथ में कनेक्टेड हैं, एक्सरसमैन लीग है हमारी JNK की, उसका भी हम बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ NGOs हैं या इंडिविजुअल तौर पे जो भी लोग हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होनी जा रही है, फौजी मेले हर जगह होते हैं। हाँ, इसमें टाइम हो सकता है अलग अलग टाइम हो, उस टाइम अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग ओकेजन पे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ही एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका है जिससे हमारे फौजी, हमारे एक्सर्विसमैन, हमारे शहीदों की फैमिलीज़ ये सिटीजन्स के साथ में मिलते हैं। आपको जैसे मैं कई बार कई मंचों पे बोल चुका हूँ कि इस देश में जो फौज की हिम्मत है वो हमारे सिटीजन्स हैं। हमारे सिटीजन्स की हिम्मत ही हमारे फौजियों की हिम्मत को बढ़ाती है और वही रीज़न है कि जहाँ भी शहीद होना होता है वो दूसरी बार सोचते ही नहीं है। कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उसमें लिखा कुछ और है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अपना अपना तरीका है। तो शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये मेले हमेशा लगते आए और अभी फिर लग रहे हैं और हमेशा लगते रहेंगे। और बस भगवान से प्रार्थना ये है कि हमारा देश जो है, भारतवर्ष जो है, महान था, है और हमेशा रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना को करते हुए, हम लोग चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, तो हमेशा यही चाहते हैं कि सुख शांति से सब निपट जाए और सुख शांति बनी रहे। कोई नहीं चाहता है सुख मुझे ना मिले और शांति ना मिले। ये मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो सुख और शांति की कामना नहीं करता हो। तो ये बहुत बड़ी बात एक ऐसी है जो भारतवर्ष में व्यक्तिगत रूप से देखी जाती है। ये भारतवर्ष में बच्चा बच्चा भी ये इस चीज़ की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना।